तो फ्रेंड्स, आज हम अपने गार्डन की सफाई करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही डर्टी हो चुका है पतझड़ की वजह से कह लीजिए, या फिर इसको थोड़े दिन से हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो इसको अब हम बिल्कुल सेट करेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं।
कितना ये आपका बठिंडे का खर्चा क्या है? तो एक तरफ मैंने साफ पत्तियां हैं जो उनको इकट्ठा कर लिया है, उनकी हमने खाद बनानी है, तो उसको मैं एक थैले में भरने जा रही हूँ। तो इस बोरी को मैंने ऊपर से बांध के हल्का सा इसके ऊपर रोज़ पानी का छिड़काव कर देना है। तो ये 10-15 दिन में हमारी जो बहुत अच्छी खाद बन के तैयार हो जाती है। इसको ऐसे ही बड़ी रहने देंगे, इसके ऊपर हल्का हल्का पानी हमने स्प्रिंकल करते रहना है ताकि ये पत्ते गल जाएं। और बहुत ही पौष्टिक जो बूटों के लिए खाद होती है, फलों के पेड़ होते हैं या फिर सब्जियाँ उगाते हैं, बहुत अच्छी खाद बन जाती है। तो अब ऑलमोस्ट मेरे गार्डन की थोड़ी बहुत तो सफाई एटलीस्ट हो ही चुकी है। जो कबाड़े का सामान है मैंने वो पीछे की तरफ रख दिया है और इसको साफ़ करके अब पौधों को पानी देंगे। तो रेनोवेशन हो चुका है, थोड़ी बहुत जो रह गया है वो भी अभी कर देंगे कल तक। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मेरा गार्डन है वो साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हो। पूरे एक दिन की मेहनत के साथ ये हो चुका है। अभी गमलों में, नए गमलों में मिट्टी भरेंगे जो छत पे पड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ पे छांव में रखेंगे। तो अब चूल्हे को भी थोड़ी सी मिट्टी लगा देते हैं।
तो अब चूल्हे का भी रेनोवेशन हो चुका है, गार्डन की भी सफाई हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।